उत्तराखंड में 22 अप्रैल से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा को लेकर की जा रही तैयारियों का काम युद्ध स्तर पर जारी है, जिसके तहत प्रशासन तैयार है और अपने काम की प्रैक्टिस के लिए ग्राउंड पर किए गए कामों का मॉक ड्रिल के जरिए आकलन किया जा रहा है। हरिद्वार को चारधाम यात्रा का द्वार कहा जाता है और बड़ी तादाद में भक्त यहीं से अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं, जिसके तहत प्रशासन ने किसी भी आपदा से निपटने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया है, जिसमें हरिद्वार के 3 गंगा घाटों विष्णु घाट, सर्वानंद घाट और दूधिया बंद घाट से अचानक गंगा का जलस्तर बढ़ने की सूचना फ्लैश हो गई, जिसके बाद एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जल पुलिस की तमाम एजेंसियों ने तत्परता दिखाते हुए गंगा में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया। उन्हें भल्ला कॉलेज में बनाए गए रिलीफ सेंटर पर पहुंचाया गया, जहां मेडिकल की टीम ने उन्हें फर्स्ट एड दिया, जिसकी मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम में जिलाधिकारी और एसएसपी कर रहे हैं। वहीं ऋषि पुल ग्राउंड में बने स्टेजिंग एरिया में इंचार्ज एसडीएम पूरन सिंह राणा ने बताया कि ऐसी एक्सरसाइज से सभी को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होता है और कमियों का पता चलता है। डिस्ट्रिक्ट में हरिद्वार जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपदा के दृष्टिगत बहुत ही संवेदनशील डिस्ट्रिक्ट है, तो आज अराउंड 9:30 के आसपास जो डीओसी को इन्फॉर्मेशन आई थी कि अचानक सडनली पानी बढ़ने से कुछ जगह पे, कुछ घाटों पे यात्री फंसे हुए हैं, तो इमीडिएटली चीज़ों को चेक किया गया, तो विष्णु घाट, दुधियाबंद और सर्वानंद घाट पे जो हमारे यात्री आए हैं जो रूटीन में वहाँ पे स्नान कर रहे थे, पानी बढ़ने से कुछ लोग टापू में फंसे हुए हैं और कुछ लोगों के पानी में बहने की भी सूचना है, तो इमीडिएटली जो हमारा डिस्ट्रिक्ट का जो आईआरएस सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग सारे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं और अधिकारी है उसको देखते हुए सबसे पहले एक स्टेजिंग एरिया फ्रेम किया गया और सभी लोग इमीडिएटली यहाँ पर अप्रोच किए हैं, और बाकी मौके के लिए जल पुलिस, एनडीआरएफ और रेवेन्यू पुलिस, मेडिकल और पीडब्ल्यूडी सभी टीमें मूव कर गई है तीनों जगह पे, और स्टेजिंग एरिया ऋषिकुल ग्राउंड में एस्टेब्लिश किया गया है और रिलीफ कैंप भल्ला इंटर कॉलेज में, और उसमें दो तीन तो श्रद्धालु यात्री थे जो दिल्ली के थे, वो इत्तेफाक से आए हुए थे घाट के किनारे थे, जैसे ही पानी बढ़ गया तो वो घाट पर आचमन कर रहे थे तो बह के, और उसको CPR भी देना पड़ा था, कुछ को इस तरह से आर्टिफिशियल ब्रीथिंग भी देना पड़ा था, लेकिन अब सब, और हम लोगों ने जो जिलाधिकारी साहब का जो उद्देश्य था कि परख लो अपने आप को, कहीं कमियां हैं उसको हम दूर कर रहे हैं, और निश्चित सी बात है कि जब भी कभी आपदा आएगी हम लोग इस चैलेंजिंग टास्क को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे, ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रूपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण, दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।